हाँ जी दोस्तों की हाल चाल है। अज इत्थे ऑकलैंड दे विच सेंट्रल ऑटिया स्क्वेयर दे बहुत सारे अपने साथी मित्र इकट्ठे हुए हैं। रीज़न एको है, फार्मर्स बिल नू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स बिल दे अगेंस्ट हैं। नाल नाल गोदी मीडिया जिन्नी भी फेक न्यूज़ हो रही है, सारा यह यूथ साडा जागरूक है, यह उन्होंने अगेंस्ट इत्थे इकट्ठा होया, सपोर्ट कर रहा साडे पंजाब दे किसानां नू। तुहानू सारयां नू पता जी कि अज दा मुद्दा की आ, अपना जिहड़ा भी काला कानून इंडिया विच आया उहदे रोस प्रदर्शन करन दे लई आपां इत्थे इकट्ठे होए आ, प्रोटेस्ट कर रहे हां। 1870 तों बाद जदों अमेरिका विच किसानां ने प्रोटेस्ट कीता सी, उदों बाद इह बिगेस्ट जिहड़ा प्रोटेस्ट होया हुण तक दा पूरे वर्ल्ड वाइड किसानां दा। पहले 1870 विच कल्ला अमेरिका विच होया सी, इह वर्ल्ड वाइड सारयां ने इस चीज़ का रोस प्रदर्शन किया। तो एक बेनती हैगी सारयां नू कि इस रोस प्रदर्शन नू जां इस काले कानून नू कल्ले किसी एक धर्म नाल ना जोड़िया जाए। ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का है, तो पूरे इंडिया में जो किसान आ, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, इनू पूरे किसानियत के नाल जोड़िया जाए, ना कि किसी धर्म के नाल। ये सारयां नू बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। मैं सतिंदरबीर सिंह ऑकलैंड सिटी तो न्यूजीलैंड के, अज देख रहे हो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चलता पाया इतने। सो मैं कहना चाहूँगा कि पहला तो आप चलो जो एक सारा इकट्ठ होया ये फार्मर्स के हक के है ही है, बट जो कि इंडिया के सोशल मीडिया के कंगना ते जो जो प्रिया एक सैलीब्रिटी ने, सो कह रहे हैं कि हाँ भी आप खालिस्तान के बंदे हैं, आप खालिस्तान के वलों प्रोटेस्ट करते पे हैं। सो मैं जी गल मैं हिंदी में करना चाहूँगा, शायद कि उनको ये बात समझ आ जाए कि खालिस्तान का कोई भी इसमें ये नहीं है कि इसमें खालिस्तान के बंदे आए हुए हैं, ये फार्मर्स हैं और ये फार्मर्स अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। शायद आपने इत्थे अज जिहड़े मोदी गवर्नमेंट वल्लों एंटी फार्मर तीन बिल बनाए गए ने, उन्होंने विरोध में अज ऑकलैंड सिटी के सारे वीर भरा इकट्ठे हुए ने। तो जिदा तुम देख रहे हो बहुत वड्डा इकट्ठ आ मेरे पिछे, तो सारे अज प्रोटेस्ट अपना रोस दिखा रहे हैं। देखो जी इदा एन आर आई असी बाद पहला तो असी पंजाबी असी जम्मे पले उत्थे आ कि सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी पता सारयां नूं आ, ये बिल जिहड़े लैके आए आ तीन काले कानून इन्हां ने पास किए आ, जिहड़े किसानां दे बिल्कुल भी हित दे विच है नहीं गए। सरकार कहिंदी आ कि असीं ये जिहड़े बिल लैके आए हाँ इन्हां दे हक दे विच लैके आए हाँ, जिहड़ी चीज़ असीं मंगी नहीं सानूं देण दा फायदा की, जिहड़ियां चीज़ां असीं मंगदे आ उह ते साडी कोई सुणदा नहीं। बस इन्ना की कहांगे, बाकी सारयां नूं पता वा तीन बिल तुसीं जाके देख सकदे हो, रीड कर सकदे हो। है तो आप है फिर कुछ भी नहीं है अपने बस इन्हें ही कहना बस, बाकी ठीक है ठीक है। थैंक यू। जिहड़ी एक गल कही जाती है कि इत्थे लोगों नूं बिल्कुल पता नहीं एम एस पी या बिलों के लिखा की है, वो सब इत्थे पढ़े लिखे लोग हैं, जाणू लोग हैं, सब सारे नूं नॉलेज है, तो एक कारण करके इत्थे इकट्ठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जे तुसी भी कुछ समझदार हो, कल यही गल टीचर्स नाल हुई, अज यह फार्मर्स नाल हो रही है, कल तुहाडे नाल भी हो सकती है, इसलिए इकट्ठे होवो, प्रोटेस्ट विच साथ दो।